हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक अच्छा 10वीं ब्यूटी एंड वेलनेस का दोस्तों पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपको दोस्तों अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को दोस्तों 300 लाइक पर पहुंचा देते हैं तो आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, देख लेते हैं क्लास 10th ब्यूटी एंड वेलनेस का दोस्तों पेपर, जो आपका दोस्तों कल एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, साथ साथ बताइए। पहला पॉइंट दिया हुआ इसमें, फेसियल में क्रीमों का उपयोग नहीं किया जाता, तो दोस्तों ये आपका असत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, मेकअप सुंदर दिखने के लिए करते हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेल कटर को क्लिपर भी कहा जाता है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा आपका सत्य। दोस्तों, जल्दी से आपको अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर के बालों को हटाने के लिए वैक्सिंग करना चाहिए, दोस्तों ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पसली का जाल सीधा रेक्टेंगुलर बॉडी शेप है, तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है इसमें, क्रिस्टल नेल का उपयोग टूटे हुए नाखूनों को बचाने से रोकता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट के बाद त्वचा के रंग में सुधार सर्कुलेशन में कमी के कारण होता है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिवर्स फ्रेंच मैनिक्योर बिल्कुल फ्रेंच मैनिक्योर जैसा होता है, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति अच्छी से कर लेनी है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, किसी हेयर रिमूवल सर्विस से पहले क्लाइंट के सभी परामर्श से बचें। पांचवा दिया हुआ क्वेश्चन, क्लाइंट परामर्श कार्ड क्लाइंट से संबंधित सभी जानकारी शामिल है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया हुआ इसमें, भोजन की परिभाषा क्या है, पोषण की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य भार हास क्या है, आयुर्वेद के उद्देश्य कितने हैं, नाखूनों को कितने डिग्री कोण पर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nitya.study.com, तो वहां से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में, जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला दिया हुआ इसमें, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पील, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपको डायमंड फेसियल। अगला दोस्तों दिया हुआ है, ईएंटोफोरेसिस, तो ये आपको हो जाएगा गैल्वेनिक मशीन। डायोड का हो जाएगा कैमिनल पील। चौथे का हो जाएगा माइक्रोडर्माबेरेशन का हो जाएगा गैल्वेनिक फेसियल। पांचवा राउंड बॉडी शेप का हो जाएगा, शारीरिक आकार में बेडोल कमर और पेट के चारों ओर वसा का संचय होता है। फिर इसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अरोमाथेरेपी क्या है, सुगंधित तेलों के नाम लिखिए, कोरूगेशन और एंगसेल नेल्स में अंतर लिखिए, क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड में शामिल की गई चिकित्सा स्थितियों को लिखें, बेसिक मैनिक्योर के चरणों की सूची बनाइए, हाथों और बाहों की मालिश करने वाले चरणों की सूची बनाइए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दोस्तों अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको दोस्तों 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।